हाय, सो फाइनली समय आ गया है एमएचटी सीईटी 2023 फिजिक्स बैच लॉन्च का। जरा एक मिनट में रिकॉल करते हैं कि पिछले साल हमारे क्या स्टेटिस्टिक्स रहे थे एमएचटी सीईटी के। सो अगर हम बात करें पिछले साल की, तो हमारे 56 स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग के एडमिशन्स हुए थे TFWS कोटा से। यानी कि एक तो होती है गवर्नमेंट सीट्स जिसमें फीस का फायदा हो जाता है, बट दूसरी होती है TFWS सीट्स जो कि हाई परसेंटाइल पे मिलती हैं। सो 56 स्टूडेंट्स को मिली थी। यानी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की, नॉन गवर्नमेंट कॉलेज की अगर फीस है 1 लाख रुपए, सो 1 लाख रुपए की जगह सिर्फ फीस भरनी पड़ती है 10,000, यानी 40,000 में इंजीनियरिंग हो जाती है इंस्टेड ऑफ 4 लाख रुपीज। सो 56 स्टूडेंट्स को हमारे TFWS कोटा के थ्रू सीट्स मिली थी बिकॉज ऑफ द गुड परसेंटाइल। एज वेल एज PICT जैसे कॉलेजेस में हमारे 42 स्टूडेंट्स बल्क में गए थे, यानी एक हिस्सा ही डिवीजन का हमारा था। एंड COEP में करीबन 13 स्टूडेंट्स गए थे, विच इज 9% ऑफ द कंप्लीट क्लास। एंड जो हाईएस्ट परसेंटाइल था वो तो आप लोगों को याद ही होगा, इतने गजब तरीके से वीडियो बना के बताया था, 99.96 परसेंटाइल वॉज द हाईएस्ट। यानी सिर्फ 1% था जो हमारे स्टूडेंट से आगे था उस शिफ्ट में। लास्ट ईयर हमने 200 स्टूडेंट्स का कन्वर्जन कर दिया। सो परिवर्तन, धर्म परिवर्तन जैसे ट्रेंड में चल रहा है, तो उसी तरीके से मैं भी कन्वर्जन करता हूं। उनका जो फिजिक्स के प्रति हेट था उसको मैंने लव में कन्वर्ट कर दिया है ना। सो 200 स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पर फिजिक्स लवर बना दिया पिछले साल, है ना, जो इंजीनियरिंग में फिर कैरी फॉरवर्ड हुए। एंड 3 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर नीट क्रैक किया, तीनों को आयुर्वेदिक ब्रांच लगा सिर्फ और सिर्फ एमएचटी सीईटी कोचिंग के वजह से, क्योंकि नीट की कोचिंग कहीं ना कहीं अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। एंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन करीबन क्वेश्चन बैंक से आए थे, जिसके लिए आप रील चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, या फिर 6 अगस्त की टेलीग्राम ग्रुप की चैट्स देख सकते हो। आपको ऐसे बाल से वो हो जाएंगे कि अरे बाप रे। एंड फाइनली 110 स्टूडेंट्स का था मोर देन 96 परसेंटाइल। सो ये है हमारे लास्ट ईयर के स्टेटिस्टिक्स। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लॉन्च कर रहे हैं 2023 की फाइनल फिजिक्स एमएचटी सीईटी की बैच। सो बैच लॉन्च हो चुकी है आईओएस यूजर्स के लिए भी, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी, एंड लैपटॉप एक्सेस जो करना चाहते हैं यानी वेबसाइट यूजर्स के लिए भी। सो तीनों जगहों पे हमारी बैच यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है। यूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दी है डिस्क्रिप्शन में, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। ओके, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। चलिए, कोर्स में होने वाला क्या क्या है। सो ऑब्वियसली बात है, पहले हम स्टार्ट करेंगे एमएचटी सीईटी की थ्योरी से, क्योंकि बोर्ड्स की थ्योरी अलग होती है, सीईटी के लिए थोड़ी सी थ्योरी अलग लगती है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी लगते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली सारे सिलेबस के हम एमसीक्यूज एंड सब चीजें यहाँ पर कवर करते जाएंगे। अब ये तो ठीक है, इतना तो ऑब्वियस है, वीडियो खोल के आए हो तो इतना तो आपको भी पता होगा, बट जो मेन फीचर होता है हमारे बैच का, विच इज क्वेश्चन बैंक। अब जिस समय पे हम हैं, कोई भी किताब खत्म नहीं हो सकती है। 7,500 एमसीक्यूज टारगेट में है, 5,500 एमसीक्यूज हो जाते हैं मार्वल में, एंड करीबन 3,000-3,500 एमसीक्यूज हो जाते हैं अरिहंत में। ये एक सब्जेक्ट का बता रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। सो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो करना पॉसिबल नहीं है। सो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ करनी होती है मेरी दी गई क्वेश्चन बैंक्स, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर से, दैट्स इट, वो करके एग्जाम देने आप जा सकते हो। एंड लास्ट ईयर एक बार वही हुआ था 6 अगस्त में, वही बता रहा हूँ 6 अगस्त को, कि 20 क्वेश्चन सीधा का सीधा क्वेश्चन बैंक से आ गए थे, है ना। तभी यूट्यूब रील भी बनाई थी, आप कमेंट्स जाके भी वहां पर चेकआउट कर सकते हो। तो इतने क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं कि हजारों एमसीक्यूज वाली बुक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं वो कहना चाह रहा हूं यहां पर। डाउट सॉल्विंग फीचर भी हमने इंक्लूड किया है, यानी कि आप डाउट भेजोगे आपको टेक्स्ट में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड यहां पर एमएचटी सीईटी का लेवल 1, 2 एंड 3 हम तीनों कवर करेंगे। होता क्या है, जब हम सीईटी के लेक्चर्स यूट्यूब पर लेते हैं तो सब लोगों को पता है वीडियोस पे व्यूज उसी पे आएंगे जिसमें मसाला हो रहा है, थंबनेल में लिखा हो ये करके चले जाओ हो जाएगा, हाँ ये देख लो 100% आ जाएगा, बट वो रियलिटी नहीं होती है। ऑब्वियसली बात है, सीईटी में कुछ क्वेश्चंस हैवी लेवल के आते हैं, जिनको हम कहते हैं एडवांस क्वेश्चंस। एंड यूट्यूब के इतिहास में पहली बार किसी ने एमएचटी सीईटी एडवांस क्वेश्चंस लिए थे लास्ट ईयर, तो वही चीज, उसमें से 2 क्वेश्चंस आए भी थे एज इट इज, तो वही चीज हम इसमें भी करेंगे। उसका रीजन है हमारे साथ काफी ड्रॉपर्स जुड़े होते हैं। सो ड्रॉपर्स ने एक साल अपने जिंदगी का दिया है, तो उनके लाइफ से कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। सो लेवल 3 यानी कि 5 मार्क के क्वेश्चन ही आते हैं लेवल 3 से, बट उन 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी हम अलग से लेक्चर लेंगे, जो कि बहुत रेयर होता है एमएचटी सीईटी में। एंड फाइनली अगर बात करें प्राइस की, तो इसकी प्राइसिंग है अर्ली बर्ड प्राइस एज ऑफ नाउ इतनी है 1099 रुपीज।
जो कि अगर आप कंपेयर करोगे मेरे जो दूसरे कोर्सेज हैं उसके हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा कम लगेगा। उसका रीज़न है जो कि मैं कुछ देर में यहाँ पे रिवील करूँगा। सो कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से एनरोल कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर के थ्रू भी। बट iOS वालों को क्या करना पड़ेगा, उनको सफारी से वेबसाइट पे परचेस करना पड़ेगा एंड देन वो ऐप पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि iOS में थोड़ा सा एप्पल पे के अलग ही इशूज हैं। हाँ चलिए, एंड फाइनली आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जो कि हो जाता है हमारा टेस्ट सीरीज का पार्ट। सो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लेक्चर्स नहीं चाहिए, सर हमको टेस्ट सीरीज चाहिए। सो यस, हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है विथ लाइव लेक्चर्स, यानी लाइव लेक्चर्स के साथ यहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है फॉर ऑल कॉम्बिनेशंस। PCM वालों के लिए अलग, PCB वालों के लिए अलग एंड PCMB वालों के लिए अलग। ये टेस्ट सीरीज की खास बात यह है, इसमें करीबन 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगी और काफ़ी सारी वार्म अप टेस्ट होंगी। सो करीबन आप समझ सकते हो 10-12 के आसपास आपकी मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगी। हर मॉक टेस्ट के बाद लाइव लेक्चर होगा जिसमें हम सॉल्यूशंस का डिस्कशन करेंगे। अब जब हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो सीरियसनेस लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जो कि वाजिब है। लोग बोलते हैं भाई पहला सिलेबस तो आए, बट होता क्या है, अगर आप मॉक टेस्ट को मल्टीप्लाई करें, अगर मैं 7 सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेता हूं, एक में 150 क्वेश्चन होते हैं, सो बेसिकली 1050 क्वेश्चन यहीं पर हो जाते हैं। सो एग्जाम देने से पहले आप खुद 7 बार MHT CET का पेपर दे दो तो 8वीं बार एग्जाम देने जाओगे तो कॉन्फिडेंस अलग से लेवल का होता है। नहीं तो हैबिट अगर नहीं रहती है तो 150 क्वेश्चंस 3 घंटे के अंदर कर पाना करीबन प्रॉब्लम दे देता है। तो इस वजह से हमारा जो इंटरफेस है वेबसाइट का 100% MHT CET का जो एक्चुअल इंटरफेस है वही है। जो एक्चुअल MHT CET एग्जाम देने जाओगे यही शब्द यही कलर कोड आपको वहां पर भी नजर आएगा। क्योंकि मैं हर साल MHT CET एग्जाम देखता हूं तो मुझे पता है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो सारा इंटरफेस आपका MHT CET का ओरिजिनल इंटरफेस है। तो कैसे, अगर आपको आदत हो गई एक बार मॉक टेस्ट देने की, आप इंटरफेस से यूज्ड हो गए, तो एग्जाम में कैसे वो पहली बार नहीं होगा आपका एग्जाम, वो 8th टाइम हो रहा होगा, तो काफी ज्यादा बूस्ट मिल जाता है। तो जो लोग टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है, सो तीनों टेस्ट सीरीज भी लॉन्च है। इनके प्राइसेस हैं 649 अगर PCM का है, 649 अगर PCB का है, एंड जो हमारी MHT CET की टेस्ट सीरीज है PCMB उसका प्राइस है 849। तो टेस्ट सीरीज वाले लोगों के लिए भी हमने क्वालिटी टेस्ट सीरीज यहाँ पर लॉन्च कर दी। फैकल्टीज का नाम बता दूं, सो एक ये है फिजिक्स पढ़ाता है जो, है ना, दूसरे हैं हमारे अंकुश सर 15 साल से HOD हैं श्री चैतन्य के पुणे में। श्री चैतन्य किंग में आता रहता है जब IIT JEE लेवल की बात करें तो। बायोलॉजी की बात करें डॉक्टर मनाली मैम, सो आई होप डॉक्टर शब्द कह दिया तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एंड गौरव जोशी फॉर केमिस्ट्री, को फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री अनटोल्ड। ओके, सो आप सर्च कर सकते हो केमिस्ट्री अनटोल्ड, 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, सो उनके को फाउंडर है, यानी कंटेंट का काम पूरा इन्हीं का रहता है एज वेल एज लेक्चरशिप। सो ये हो जाता है हमारे टेस्ट सीरीज का पूरा यहाँ पर पैटर्न। सो दोनों चीज़ें लॉन्च हो चुकी हैं, अगर आप दोनों साथ में ज्वाइन करते हैं सो अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी 1700 के आसपास, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ कोर्स है, सो दैट इज फॉर 109। विश यू द बेस्ट, और कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है एज वेल एज ईमेल आईडी दी गई है, आप कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं सीधा कोर्स में, डेली एक लेक्चर होगा, सारा टाइम टेबल अंदर आपको मिल जाएगा। लेक्चर ऐसे होगा कि किसी के साथ क्लैश ना हो, एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th मार्च से। सो 6 मार्च को आपका पहला फाउंडेशन लेक्चर होगा, पहला फाउंडेशन क्लास।